नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान हूँ। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आवाज। आज से 28 साल पहले सूडान में भुखमरी के हालात थे। रोजाना 8 से 10 बच्चे मर रहे थे। ऐसे में यूएन ने बीच में दखल दी और यूएन ने वहां सहायता पहुंचाना शुरू किया। इन सब के बीच वहां पर एक पत्रकार को भेजा गया, फ्रीलांसर पत्रकार थे केविन कार्टर। केविन कार्टर वहां पर पहुंचते हैं और एक तस्वीर लेते हैं। तस्वीर में एक बच्चा है जो कि पूरी तरीके से माल न्यूट्रिशन बच्चा है। वो बैठा हुआ है, उसके पीछे गिद्ध बैठा हुआ है और उस गिद्ध की नजर जो है उस बच्चे पर है। और इस तस्वीर को लिया था केविन कार्टर ने। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दुनिया भर की मैगजीन्स में इस तस्वीर को छापा गया और रातों रात केविन कार्टर सुर्खियों में आ गए। रातों रात वो छा गए, रातों रात वो स्टार बन गए। कई सालों के बाद उनको पुलित्जर प्राइज से भी नवाजा गया। इसके बाद एक बार वो अपने दफ्तर में बैठे थे, तो जब वो अपने दफ्तर में बैठे थे तो उनके एक साथी पत्रकार ने उनसे पूछा कि केविन वहां पर कितने गिद्ध मौजूद थे। तो झट से केविन ने कहा कि वहां पर एक गिद्ध मौजूद था। तो उनके जो साथी पत्रकार थे उन्होंने कहा कि नहीं, केविन वहां पर दो गिद्ध मौजूद थे। केविन ने कहा कैसे? तो उनके साथी पत्रकार ने बताया कि एक गिद्ध तो वो था जो उस बच्चे को निहार रहा था कि कब वो बच्चा अपनी सांसों को तोड़े और कब वो उसका निवाला हो, और दूसरे गिद्ध थे आप। आप चाहते तो उस बच्चे को बचा भी सकते थे, आप चाहते तो उस बच्चे को वहां से बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकते थे, लेकिन आप भी गिद्ध थे। आपकी मंशा थी वो इनाम, आपकी मंशा थी वो शोहरत। तो ऐसे में केविन कार्टर बहुत सोचने लगे। केविन कार्टर से लोगों ने सवाल किया कि कैसा लग रहा है पुलित्जर प्राइज पाकर, लाशों के ढेर पर मिला ये इनाम, आपको कैसा लग रहा है? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आज का दौर भी वही है। कोरोना की महामारी से सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया इससे दो दो हाथ कर रही है। बीते साल भारत इस लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से जीता भी। हम लोग विश्व के सामने एक मिसाल बनकर सामने आए। इटली में जहां रोजाना हमें तस्वीरें दिखती थीं, अस्पतालों के बाहर जो मौतों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा दिखती थी, शवों की संख्या थी, भारत में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस तिलिस्म को बहुत ज्यादा दिन हम लोग रह नहीं सक पाए और दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर ने अचानक दस्तक दी जिसको हम संभाल नहीं पाए। और इस लहर के आते ही क्या हुआ कि बहुत मौतें हुई, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। व्यवस्थाएं तो मानो जमीन की धूल चाट रही, सब कुछ तितर बितर, सब कुछ खत्म। हम लोगों के सामने हमको पता लगा कि हमने बीते इतने सालों में, इतने दशकों में जिन चीजों पर काम करना चाहिए था उन पर काम नहीं किया। लेकिन केविन कार्टर की तरह ही हमारे बीच भी बहुत सारे गिद्ध मौजूद हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार जो आपको इन तरह की चीजें दिखाते हैं, केवल शवों की संख्या, केवल पानी के पास किस तरीके से शव पड़े हुए हैं या गंगा के पास किस तरह के शव पड़े हुए हैं, इन तरह की चीजों को दिखवाते हैं। अस्पतालों के अंदर जाके किस तरीके से लोग तड़प रहे हैं, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, इन चीजों को दिखाते हैं। मानो भारत में बचता तो कोई है ही नहीं, सब मृत्यु के आगोश में समाते हैं। एक और कहानी आपको सुनाता हूं। एक चूहा, ऑक्सफोर्ड में एक रिसर्च चल रही थी तो एक चूहा था। एक चूहे को इतनी बड़े पानी के ग्लास में डाला गया। वो चूहा 15 मिनट तक बाहर आने की कोशिश करता रहा लेकिन उसके बाद वो चूहा डूब गया। वो चूहा डूब गया, उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे चूहे को उसी ग्लास में डाला और उस चूहे को डॉक्टर ने जैसे ही वो डूबने वाला था 14वें मिनट में उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद डॉक्टर ने उस चूहे को दोबारा उसी ग्लास में डाला और 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, 3 घंटा इंतजार किया, वो चूहा नहीं डूबा। इसके बाद जो रिसर्च लिखी वो बेहद अद्भुत है। जो साइंटिस्ट वहां पर थे उन्होंने रिसर्च में अपनी लिखा है कि उस चूहे के अंदर एक उम्मीद थी कि उसको ये जो मेरे सामने जो शख्स है वो मुझे बाहर निकाल लेगा। इसी उम्मीद में वो चूहा कोशिश करता रहा, आखिरी दम तक लगा रहा। जो पहला चूहा जो 15 मिनट के अंदर जो डूब गया था वो मन से 15 मिनट में हार गया था।
जो दूसरा चूहा था वो मन से नहीं हारा। ऐसे में उम्मीद पर दुनिया कायम है और ऐसी ही उम्मीदों को जिंदा रखने का भी वक्त है। सिर्फ शवों की संख्या दिखाकर, सिर्फ अस्पतालों में मरने वालों की संख्या दिखाकर हम क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ शायद पत्रकारों के हिस्से में एक इनाम आ जाएगा, शायद मैगजीन वालों के हिस्से में कोई बड़ा पुरस्कार आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा। छोटे छोटे पत्रकार फोटो खींचते हैं 5-10 हजार 5 लाख तक में, इन फोटोज को विदेशी कंपनियों को बेचते हैं, देखिए हमारे यहां कैसे शव पड़े हैं। ये सब गलत है, सब धोखा है, सब झूठ है, फरेब है उनके मन का, उनके मन में खोट। वो नहीं चाहते कि वो ये शव दिखाकर आपका भला कर रहे हैं, वो शव दिखाकर अपना खुद का भला करना चाहते। तो ऐसे में पत्रकार क्या करें? पत्रकार ये कर सकते हैं कि गांव-गांव जाएं, शहर-शहर जाएं, ग्राउंड में जाएं, रियलिटी पता करें कि दरअसल हाल क्या है, और जहां हाल खराब है वहां मदद करें उस हालों को सुधारने की। तो ऐसे में ये जिम्मा न्यूज ऑल इंडिया की टीम ने उठाया और हमारे जितने भी तमाम पत्रकार थे उनको हमने गांव-गांव भेजा और गांव-गांव जाकर इस चीज की तस्दीक करने के लिए उनसे कहा कि आप पता लगाइए कि कहां पर क्या कमियां हैं और उन कमियों को आगे बढ़ाइए, उन कमियों को हम शासन तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उन पर काम करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ गिद्धों की तरह बैठकर हम कोई इनाम नहीं पाना चाहते, हम चाहते हैं कि बदलाव हो। शुतुरमुर्ग जब संकट आता है ना तो जमीन में अपना सर धंसा लेता है और हमारे सिस्टम में सच्ची पत्रकारिता को शुतुरमुर्ग के नाम से अब जाना जाता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमारे पत्रकार जो गांव-गांव गए उनको देखिए और समझिए कि दरअसल हाले बयां क्या है, गांव की तस्वीरें क्या कहती हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है, साथ ही प्रशासन भी लगातार दावे कर रहा है कि उनके द्वारा लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं गांवों में लगातार टेस्टिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है धरातल पर पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और गौतम नगर के गांवों में वो जाकर पता कर रही है कि किस तरह से जो प्रशासन दावे कर रहा है वो दावे कितने सच्चे साबित होंगे। दरअसल हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के बी लखपतपुर गांव में। ये गांव दरअसल दादरी तहसील में आता है और ग्रेटर नोएडा से इसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। 2200 की इस गांव की आबादी है और ये गांव बिल्कुल अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे जो NH-90 बने उसके बिल्कुल किनारे पर है और जो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस उसके किनारे पर है। तो अब आज हम गांव में चलते हैं और गांव के लोगों से पता करेंगे कि जो प्रशासन दावे कर रहा है लगातार टेस्टिंग के दावे कर रहा है कि कोरोना की जो टेस्टिंग है वो गांव में ग्रामीण में क्षेत्र में लगातार हो रही है वो कितनी सच्ची है और जो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके द्वारा टेस्टिंग हर गांव में कराई जा रही है, लगातार सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और लोगों को जागरूक कराया जा रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है उसे जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम बी लखपतपुर गांव में जाएगी और लोगों से बात करेगी। आइए चलते हैं गांव। इसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा मौजूद है, क्या नाम है आपका? विजय भाटी। विजय जी कैसे हालात है पहले ये बताएं गांव के? गांव में पहले से अब बेहतर है, अब से करीब 15 दिन पहले हालात ज़्यादा ख़राब थे और उस टाइम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही थी और प्रशासन की तरफ से उस टाइम ज़्यादा जो टेस्टिंग और ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे टेस्टिंग और ये सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया है तो हालात भी सुधरे हैं और फिलहाल अभी भी कंट्रोल में है हालात। विजेंद्र जी गाँव में जो है कैसे हालात हैं इस समय? सही है जी, हालात तो गाँव में कोई दिक्कत नहीं किसी भी, एक आध आदमी कोरोना से खत्म हुआ है। एक आध कोरोना को लेके मतलब क्या कैसे प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां यहाँ पर हैं? भैया एक दिन तो यहाँ वो भी कैंप भी लगा। अच्छा, और वो चेक वेक भी करके गए हैं। तो टेस्टिंग वगैरह जो हुई वो ये पता नहीं मुझे, इसी बात की नहीं पता। अच्छा, लेकिन करके गए हैं टेस्टिंग। गाँव में अभी भी है कोरोना संक्रमित कुछ लोग हैं भैया? नहीं ये नहीं बता सकता जी। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गाँव सोरम में, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं कर्मवीर सिंह मेरे साथ हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक गांव की अगर बात की जाए तो यह गांव बालियान खाफ का दूसरे नंबर का बड़ा गांव है, लेकिन इसमें भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, बुखारों से मृत्यु हुई है, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर बात की जाए तो हालत सामान्य है। हम ग्राम प्रधान से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में यहाँ पर सैनिटाइजेशन लेकर के जाँचें जो हो रही थी जिनके दावे वादे किए जा रहे थे वो हो पाई हैं या नहीं,
क्योंकि यहाँ की अगर साफ सफाई की बात की जाए, कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो साफ सफाई भी बेहतर है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में। सर ये बताइए प्रधान जी, आप पूर्व में प्रधान थे, वर्तमान में प्रधान हैं, यहाँ पर जो बुखार से मौतों का सिलसिला था वो कितनी मौतें हुई हैं और अब वर्तमान की स्थिति क्या है? देखिए कोरोना से कम यहाँ 25-30 मौतें हुई हैं, कुछ बुखार से सामान्य मौतें भी हुई हैं, तो 35-40 के आसपास मौत हुई हैं गाँव में। और हमारे जो है बहुत जवान साथी भी चले गए, उनका बहुत दुख है हमें। और साथ साथ में जो है गाँव की, जैसे ही मौतों का प्रकरण चला चुनाव के बाद, तो उसके बाद गांव को सैनिटाइज किया गया, फिर प्रशासन भी जागा, उसने भी जांच के लिए जैसे कैंप लगाया, विधायक जी के द्वारा विधायक जी आए, उन्होंने कैंप लगवाया, जांच हुई, लेकिन लोग पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई, बड़ा गांव है, बहुत थोड़ी जांच हुई। तो हमारी तो अपेक्षा ये है कि शासन या जिला चिकित्सा केंद्र से ज़्यादा कैंप लगाए जा, ताकि लोगों तक जाँच का जो है सही दायरा बढ़ाया जा सके, और जांच हो तो पता चले कौन कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो उससे जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने में, सामान्य स्थिति होने में जल्दी से जल्दी हमें। न्यूज़ वर्ल्ड की टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के इस पड़ाव में न्यूज़ वर्ल्ड की टीम गांवों का दौरा कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के गाँव सोरम में। सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा, हमारा जो है एंट्रेंस हुआ है गाँव में, जो गाँव का मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है, सबसे पहले उसको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। जो साफ सफाई की बात की जा रही थी, इस कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहली बात साफ सफाई की आ रही थी, सैनिटाइजेशन की आ रही थी, जांच की आ रही थी, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है यही जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड की टीम सड़कों पर उतरी हुई है। जहाँ पहले भी हमने गाँव देहात के इलाकों को दिखाया, किस तरीके से वहाँ लोग रहने को मजबूर हैं और किस तरीके से लोगों को इलाज मिल रहा है और किस तरीके से जांच हो रही है, ये तमाम दिखाने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो धरातल के हालात हैं, कैमरा से कहूँगा साइड में दिखाएं, यहाँ तालाब नुमा एक खेत है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है और ऐसा लगता है इसकी सफाई काफ़ी समय से नहीं हुई। यहाँ मच्छर, मक्खी और गंदगी के संभार को देखते हुए हो सकता है यहाँ बच्चे और जो बुज़ुर्ग उनको समस्या होती हो, यहाँ बीमारी पनपती हो। हालाँकि साफ़ सफाई की यहाँ किस तरीके से व्यवस्था की गई थी या की गई थी नहीं की गई थी, इन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। हम आपके परिवार में आपके भाई को बुखार चढ़ा, जाँचें वाँचें हुई हैं ना कोरोना की? यहाँ कुछ नहीं हुई जी, प्रधान जी कह रहे हैं जाँचें करा रहे हैं, गाँव में कुछ आफत नहीं है ना कुछ होया, जाँच जो कुछ नहीं हुई, जाँच नहीं हुई नहीं जी। अच्छा, ये जो पोस्टर लग रहा है, जो वार्ड 27 के प्रत्याशी रहे हैं जिला पंचायत के, सम्राट बालियान, इनकी भी कोरोना से डेथ हुई, कैसे डेथ नहीं बता रही, कोरोना से हुई। अच्छा, आपके यहाँ मतलब लोग, काफ़ी लोग चले गए, जांचें आपके नज़रों में यहाँ पर हो पा रही है नहीं हो पा रही है? नहीं जी नहीं जी। आपके यहाँ ये जो नाला है इसकी साफ सफाई कैमरा से एक बार दिखाएं, इसकी सफाई वही होती है नहीं यहाँ पर? इसी हो रही जी। और सामने जोहड़ की सफाई हुई? जोहड़ की नहीं हुई जी। गंदगी वंदगी रहती है बहुत ज़्यादा जी। कितनी समस्या है जी इसके? यहाँ जोहड़ की पानी भरा रहता है गाँव में, पानी की निकासी की। हाँ, ये लंगुरा गांव है, यहाँ के सामुदायिक केंद्र है। हाँ। और यहाँ पे वैक्सीन वगैरह यहाँ बिल्कुल नहीं लग रही। कल हम मजगमा ब्लॉक पड़ता है वहाँ पे अपनी वैक्सीन लगवा के आए। अच्छा, दूसरा हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर बैठ रहे हैं और ना सफाई कर्मचारी आता है, कोई भी स्टाफ नहीं। कब से यहाँ पे डॉक्टर नहीं आया ये बताओ? 18 तारीख से नहीं आए यहाँ पे डॉक्टर। तो हरीश आते थे, अभी वो डॉक्टर ने कुछ कहा है हरी से तो वो यहाँ से चले गए, वो ही खोल देते थे आके टाइम से, और ये लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। और बहुत कूड़ा करकट है गांव में, बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब टाइम से मिलते नहीं हैं। नहीं, पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ये बताइए कब से यहाँ पर डॉक्टर नहीं आ रहा है, वैक्सीनेशन कब से नहीं हो रहा? मैंने तो देखे नहीं डॉक्टर साहब कम से कम 1 महीने से। अच्छा, और वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। डॉक्टर नहीं आ रही है, बनने के बाद पहले कुछ दिन बना, फिर फ्री हो, फिर ये ऐसे छोड़ दिया गया, फिर इसमें 1-2 साल बाद थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर उसके बाद इसे गेट। आज क्या आलम है इसका? आज इसका आलम ये है जो आप देख रहे हैं, बकरी भैंसे जंगली जानवर फिरते रहते हैं और इसमें कुछ कुछ कोई देखता नहीं है, इसका गेट वगैरह सब खुला रहता है, लोग इसमें ऐसी पेशाब वेशाब करते फिरते रहते हैं। मतलब 2016 में बनवाया गया था और आज तक इसमें स्वास्थ्य कर्मी कोई नहीं है और ना कोई आता है, ना कोई बैठे तो लोग गांव वालों को कुछ जानकारी मिले स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए कोई भी आज तक कोई स्वास्थ्य कर्मी या ना डॉक्टर यहाँ कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का रियलिटी शो में आपका स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं जनपद एटा के ग्राम शीतलपुर में और यहां हम जानेंगे लोगों से कोरोना का हाल कि क्या है कोरोना का खौफ इस गांव के अंदर, क्या है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बड़ी बातें, क्या है सच्चाई। तो सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम आ चुकी है। तो चलिए हैं ग्राम शीतलपुर ग्राम की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान जो अभी नए प्रधान हुए हैं, इनसे जानेंगे कि कोविड को लेकर इनके क्या नियम रहे, क्या कानून रहे, क्या इन्होंने अब तक कराया और स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या बड़ी कार्रवाई इस गांव के अंदर हुई। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं प्रधान जी का हमारे चैनल के लिए। प्रधान जी, कोविड को लेकर अब तक आपने अपने गाँव में क्या कराया? सैनिटाइज कराया। कितने बार आपने सैनिटाइज कराया? पाँच छः बार। अच्छा, अब तक कोविड से कितनी मौतें आपके गाँव के अंदर हो चुकी हैं? हमारे गाँव में कोविड से कोई मौत नहीं हुई। नहीं, सूत्रों के हिसाब से हमारे पास लगातार जो डिटेल आई है लगभग 7 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है और आपका कहना है कि मौत नहीं हुई है, तो क्या इस पर जानकारी है आपके लिए? नहीं, लगातार हमें अभी CMO कार्यालय से अभी मिला था हमें नोटिस कि उसमें 7 कोविड से मौतें हुई हैं और कुछ बागवाला सेंटर में भी मौतें हुई हैं, तो आपका कहना है कि मौतें नहीं हुई, तो क्या है ये कुछ सच्चाई? नहीं, वैसे कोई मौत नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग ने गांव के अंदर अब तक कितनी टीमों को कोविड जांच के लिए भेजा? कई टीमें आ चुकी हैं। अच्छा, कोविड की टीम ने सैंपलिंग करी है, टेस्टिंग करी है, तो किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव किसकी कुछ आया, क्या कुछ जानकारी? पॉजिटिव आई थी, वो लड़का सही हो गया, अगर आपसे दवा ली। तो आपने हमारे रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट से ये समझा जा सकता है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर जो जिला स्तर का जो काम था वो जो होना था वो नहीं हुआ, कहाँ पर आज भी समस्या है, कहाँ आज तक अस्पताल नहीं पहुँचे, कहाँ आज तक ऐसा माहौल है कि अगर बीमार हो भी जाता है कोई तो उसके पास इतनी भी सहूलियत नहीं है, इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि वो आराम से कोई दवाई ले सके, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, सिर्फ झोला छापों के भरोसे कई जिंदगियाँ बैठी कई गांवों में। हमारी जो आज की कोशिश थी वो बस ये दिखाना था कि दरअसल कमी कहां पर है, उसको ठीक किया जा सके। सिर्फ चीजों को अपने फायदे के लिए दिखाना ये ठीक नहीं है। हमने इसलिए कोशिश की, अपने रिपोर्टर्स को भेजा जमीनी हाल देखने के लिए, कहीं पर कमियां थी वो आपको बताई गई, कहीं पर कमियां नहीं थी, कहीं पर अच्छा काम किया गया तो वो भी आपको बताया गया। हर तरह की चीजें बताई जानी चाहिए, सिर्फ इस तरफ का तराजू भारी करके या इस तरफ का तराजू भारी करके हमें तो कुछ मिल सकता है, लेकिन जनता का जितना हम भरोसा तोड़ते हैं उसका क्या। लेकिन इसमें जनता की भी कमी समझता हूं, अगर इस तरफ कोई पत्रकार ज्यादा झुक जाता है तो इस तरफ के लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इस तरफ कोई पत्रकार ज्यादा झुक जाता है तो इस तरफ के ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं और जो तराजू सच का है वो ढह जाता है। खैर, रिपोर्ट आपने देखी, इसमें उत्तर प्रदेश के जो गांवों का हाल था वो सच सच आपको दिखाया गया कि कहां पर व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, कहां पर व्यवस्थाएं जो है वो ठीक हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचे और ऊपर तक जो बैठे लोग हैं वो भी समझे कि कहां पर क्या कमियां हैं, किन ब्लॉक्स को भरा जाना अभी भी बाकी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 65% जो आबादी है वो ग्रामीण है, मतलब गांव में रहती है। और जब कोरोना शहर में था तो जो व्यवस्थाएं थी वो किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई सबने देखा। खैर, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और जीते भी। अब दुआ है भगवान की कि हम लोग इस लड़ाई को एक हद तक जीत भी चुके हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही ये जो दूसरी वेव है इसका अंत होगा। तीसरी वेव के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन गाँव में कोरोना के क्या हालात हैं ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पर ना तो व्यवस्थाएं, दूर से अगर आप समझेंगे, अगर आप दिल्ली में बैठकर देखेंगे तो व्यवस्थाएं लगता नहीं कि होंगी। इन चीज़ों को समझना बहुत बेहतर, इसलिए रिपोर्टर्स को भेजा गया, जानने की कोशिश की गई कि हाल क्या है। तो जो रिपोर्ट थी वो आपको दिखाई और आवाज़ की पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से गाँव में जा जाके लोगों से मिले, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए जो ज़रूरी मालूम इकट्ठे किए, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ है कि हम कभी भी भेड़ की चाल में नहीं चलते। ज़रूरत नहीं हमें TRP की, ज़रूरत नहीं हमें कोई दिखावे की, ज़रूरत नहीं, हम सच के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और आवाज़ की टीम का हमेशा से यही प्रॉमिस रहा है अपने दर्शकों के लिए कि हमेशा आपको सच से रूबरू कराएं, चाहे फिर उसके अंजाम कुछ भी हो। फिलहाल जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जहाँ अंधेरा है
जहां रोशनी की किरण की जरूरत है वहां पर आवाज की टीम हमेशा एक किरण बनने की कोशिश करती रहेगी। धन्यवाद।